Elena, हाँ ओके, तो यह आपको जब तक हमारा दूसरा सत्र पूर्ण नहीं होता तब तक यह आपको संभाल कर रखनी है, बराबर। और फिर यह जो द्वितीय सत्र है उसके कोर्स यानी कि इकाई के बारे में हम जाने, तो हमारी पहली जो इकाई है वह प्रार्थना गीत यानी कि प्रार्थना काव्य है, जो आपको भी बहुत पसंद है और आप अच्छी तरह से गाती भी है, बराबर। और दूसरा जो पाठ है उस वह है अनूठा इंसान, यानी कि प्रसंग वर्णन है, जो सच्ची घटना बनी हुई है उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। तो यह दूसरे पाठ में आपको अनूठे यानी कि कोई विशिष्ट प्रकार के इंसान, कोई इंसान है जिसमें विशिष्ट प्रकार के गुण हैं और वही गुण है वह उसकी पहचान है, तो यही हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें दो महान व्यक्ति हैं, नेपोलियन और गांधी जी, उसके जीवन के कुछ प्रसंग हैं वह हम जानेंगे। फिर तीसरा हमारा जो पाठ है जरा मुस्कुराइए, यानी कि दो पाठ पढ़ते पढ़ते आपको थोड़ा मुस्कुराने का यानी कि थोड़ा हंसने का यहाँ पर कहा गया है, तो वहाँ पर चुटकुले यानी कि जेने तमे जोक्स कहो छो, बराबर, तो हिंदी में उसे चुटकुले कहते हैं, तो यह चुटकुले हैं। और पाठ चौथा है पुस्तक हमारी मित्र, जिसमें एक मित्र जो है वह दूसरे मित्र को पत्र पुस्तक का महत्व देते हुए पत्र लिख रहा है, और पत्र जो है उसमें हमारे जीवन में पुस्तक हमें किस प्रकार उपयोगी है, पुस्तक हमारे जीवन में कौन कौन से कार्य करती है, वह सारी बातें यहाँ पर दी गई है। फिर पांचवा काव्य है जय विज्ञान की, तो यहाँ पर आज हम देख रहे हैं कि पहले के समय में जहाँ लोग एक गांव से दूसरे गांव पैदल जाते थे, वही आज वहाँ बहुत घंटे और महीने लगते थे, वही आज थोड़े ही सेकंडों में, थोड़ी ही मिनटों में मनुष्य एक जगह से दूसरी जगह आसानी से पहुंच सकता है। और मनुष्य के जीवन के लिए बहुत सारी ऐसी सुविधा देने वाले जो साधन हैं, वह भी विज्ञान ने बनाए हैं। तो उनकी साधनों की जानकारी और विज्ञान का युग क्यों कहा गया है, उस विज्ञान के बारे में हम इस काव्य में जानेंगे। फिर है न्याय, तो न्याय जो है वह एक कहानी है जिसमें दो मित्र हैं, और एक मित्र कड़ी मेहनत करके अपनी जमा पूंजी जो है उसमें से वह यात्रा करने जाता है, बाकी की पूंजी अपने शेष जीवन के लिए मित्र के यहाँ संभाल कर रख कर जाता है, मगर मित्र है कि उसकी दानत बिगड़ जाती है और वह उसका धन ले लेता है। फिर एक छोटा बच्चा किस प्रकार सच्चा न्याय करता है उसकी बात न्याय पाठ में की गई है। फिर सातवां पाठ है यह भी एक परीक्षा, जिसमें जीवन में आप पुस्तक तो पढ़ते हैं, बराबर, मगर पुस्तक के अलावा व्यवहारिक ज्ञान आप में किसका कितना है। पुस्तक पढ़कर हम पेपर में तो पास हो सकते हैं, मगर व्यवहारिक ज्ञान के द्वारा हमारे जीवन में आने वाली परीक्षा को हम किस प्रकार पास या उत्तीर्ण करते हैं, वह एक बालक देवेंद्र के द्वारा आपको यहाँ पर बताया गया है। तो उसी के अनुरूप यह सारा 1 से 7 पाठ का हमारा द्वितीय सत्र का कोर्स है, और यह सारे पाठ इसी प्रकार हमें पढ़ने हैं। तो आज हम हैं पहला काव्य इतनी शक्ति हमें देने दाता, यानी कि हम नए सत्र की शुरुआत कर रहे हैं, तो हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। फिर
और यह प्रार्थना काव्य के द्वारा हमारे अभ्यास का हम आरंभ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सेवेंटी थ्री नंबर, यह काव्य पहले तो किसे अच्छी तरह से गा, कौन अच्छी तरह से गा सकता है? मैं। आपका नंबर कौन सा है? 73। ओके, चलो आप अच्छी तरह से गाए, अच्छी तरह से गाना है। हाँ, पहले एक लाइन में गा दूँ, उसके बाद दूसरी लाइन जो है नीचे वह पूरा काव्य आप गाकर सुनाना। ठीक है, इतनी शक्ति हमें देने जाता, मन का विश्वास कमजोर। एक मिनट, पहले जो ये दो लाइन है वह मैं आपको सुनाती हूँ, उसके बाद आप गाना। ठीक है, इतनी शक्ति हमें दीन दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नीक रस्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें दिल दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे, बेर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना, हम चले नेक रस्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। चलो अब इसी प्रकार 73 नंबर, उसी प्रकार ये सारी पंक्तियां है वह बेटा इसी प्रकार आपको गानी है। हमने सोचे हम क्या मिला है, हमें ये सोच किया क्या है, अर्पण फूल खुशियों के बेटे सभी बाटे सभी को, सबका जीवन भी बन जाया जाए मधुबन, अपने करुणा का जल तो बहा के कर दे पावन हर एक मन का कोना। चलो ये पूरा जो काव्य है वह मैं एक बार आपको गाकर सुनाती हूँ, दो लाइन सुनाई और आगे का काव्य है वह भी गाकर सुना देती हूँ, फिर हम काव्य को अच्छी तरह से समझेंगे। ठीक है, हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है, अर्पण फूल खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन, अपनी करुणा का जल तू बहा के कर दे पावन हर एक मन का कोना, हम चले नेक रस्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देन दाता, मन का विश्वास कमजोर होना,
हम अंधेरे में है रोशनी दे, खो न दे खुद को ही दुश्मनी से, हम सजा पाए अपने किए की, मौत भी हो तो सहले खुशी से, कल जो गुजरा है फिर से न गुजरे, आने वाला वो कल ऐसा हो ना, हम चलेंगे एक रास्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल हो ना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हर तरफ जुल्म है बेबसी है, सहमा सहमा सहर आदमी है, पाप का बोझ बढ़ता ही जाए, जान कैसे ये धरती थमी है, बोझ ममता से तू ये उठा ले, तेरी रचना कहीं अंत हो ना, हम चले नेक रस्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल हो ना, इतनी शक्ति हमें दे दाता, मन का विश्वास कमजोर हो ना। ओके, यहाँ पर यह जो प्रार्थना काव्य है उसमें सबसे पहली पंक्ति है, इतनी शक्ति हमें दे दाता, यानी कि हे ईश्वर, हे दाता, दाता यानी कि ईश्वर, तू हमें इतनी ताकत इतनी शक्ति दे कि हमारा जो विश्वास है, हम अपने मन पर जो भरोसा करते हैं, बराबर, हमारा जो आत्मबल है, आत्मविश्वास है, वह कभी भी कम न हो, और हम चले नेक रास्ते पे। नेक रास्ते पर चलना यानी कि सही और अच्छे रास्ते पर चलना, यानी कि ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि हम हमेशा नेक रास्ते पर ही चले, सही रास्ते पर चले, हम जो कार्य करते हैं वह सच्चे और ईमानदारी पूर्ण करें, और हमारा रास्ता भी अच्छाई वाला और ईमानदारी से पूर्ण हो, और भूल से भूल कर भी कोई भूल हो ना, यानी कि कभी भी हमारे जीवन में हमसे कोई भूल न हो, ऐसा हम ध्यान रखेंगे। मगर यदि हमसे भी भूल हो गई तो उस भूल में भी हम कोई बुरा कार्य न करें, कोई भूल न करें, तुम इतनी हमें शक्ति देना, यानी कि ईश्वर से पहली पंक्ति में सही और नेक रास्ते पर चलने की, आत्मबल और आत्मविश्वास से कार्य करने की शक्ति मांग रहे हैं। आप देख रहे कि यहाँ पर बच्चे जो है वह ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, तो वह यही प्रार्थना करते हैं। फिर दूसरी जो पंक्ति है, दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, यानी कि हे ईश्वर, हमारे आसपास बहुत अज्ञान रूपी अंधकार भरा हुआ है, उसमें तू हमें ज्ञान रूपी रोशनी दे, ताकि वह ज्ञान रूपी रोशनी के द्वारा हम नेक रास्ते पर चलकर कौन सा सच्चा और अच्छा मार्ग है, हमारे लिए कौन सा सही मार्ग है, उसे पहचान सके। हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे,
यानी कि हम देख रहे हैं कि आज संसार में पूरी जो मनुष्य जाति है वह अच्छी ही है, मगर हमारे आसपास ऐसे बहुत से बुराइयां हैं, ऐसे बहुत से कार्य हैं जो अच्छे नहीं होते, बुरे लोग हमारे आसपास रहते हैं। तो हो सकता है कि कोई बुराई के छाटे वह हम पर भी डाले, मगर तू हमें इतनी शक्ति दे कि जो हमारे आसपास बुराई है या बुरे व्यक्ति है उसकी बुराइयों से हम बचते हुए संभल कर सच्चाई के मार्ग पर चले, और हमारी जितनी भी जिंदगी हो यानी कि थोड़ी हो या ज्यादा हो, मगर अच्छी सच्ची और नेक हो यानी कि भली हो। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदलेगी होना, यानी कि हमारे आसपास जो बुरे व्यक्ति है उस बुरे व्यक्ति के साथ या हमारे आसपास कोई भी व्यक्ति है उन सभी व्यक्तियों के साथ हम अच्छा व्यवहार करें, मगर वह हमारे साथ बुरा व्यवहार करते हैं तो उसके प्रति हमारे मन में कोई भी बैर यानी कि दुश्मनावट, बराबर, बैर यानी कि दुश्मनावट, तो उसके प्रति कभी भी हमारे मन में कोई दुश्मनावट उत्पन्न न हो ऐसी हमें शक्ति देना। और यदि यह दुश्मनावट हमारे मन में पैदा ही नहीं होगी तो हमारे मन में बदले की भावना भी नहीं होगी। मगर जो हमारे आसपास बुरा व्यक्ति है उसकी थोड़ी भी बुराई यदि हम पर हावी होती है यानी कि प्रभावित तो होती है, तो उसके बुरे गुण, उसके बुरे व्यवहार, उसके साथ बदले की भावना, ये सब हमारे मन में आ सकता है। मगर इसीलिए न आए, इसीलिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारे आसपास सारे कितनी भी बुराई हो मगर वह बुराई का स्पर्श भी हम न कर सके, ताकि हमारे मन में किसी के प्रति बदले की भावना न हो, हम सबके साथ प्रेम पूर्वक रह सके, भाई भाई की तरह रह सके, इतनी हमें तू शक्ति देना। उसके बाद की जो काव्य पंक्ति है उसमें कहा गया है, हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण, यानी कि हमें कभी भी यह नहीं सोचना है कि हमारे आसपास या हमारे कोई रिश्तेदार है उसने हमें क्या दिया है, वो हमें कुछ देते हैं तो उसके तरह ही हम उसे कुछ देंगे, ऐसा नहीं है। कोई चाहे हमें कुछ दे या न दे, कोई हमारे साथ अच्छा व्यवहार करे या न करे, मगर हमें यह सोचना है कि हमें उसके साथ किस प्रकार व्यवहार करना है, तो कि अच्छा ही पूर्ण, हम अच्छे हैं, यदि हम भी उसके साथ उसकी तरह बुरा व्यवहार करेंगे, उसने यदि कोई गाली गलौच दी है, हमारे साथ लड़ाई झगड़ा करते हैं, हम उसके साथ लड़ाई झगड़ा करेंगे, तो उसमें और हम में कोई अंतर ही नहीं रहेगा। तो हमें यह नहीं सोचना है कि उसने, सामने वाले व्यक्ति ने हमें क्या दिया है, मगर हमारे पास क्या है, हम थोड़ा में से भी थोड़ा किसी को दे तो यह हमारी अच्छाई है, हमारे अच्छे कर्म है। तो यहाँ पर कहा गया है कि हमें दूसरों ने हमें क्या दिया है वह दूसरों के बारे में हमें सोचना नहीं है, मगर हमारे पास क्या है, हम दूसरों को क्या दे सकते हैं, वह हमें सोचना है और उसी प्रकार का हमें देना है। चाहे सामने वाला कितना बुरा व्यवहार करे, कितना भी हमें कोई सुना दे, बराबर, मगर हमें उसके साथ हरदम
अच्छा व्यवहार और अच्छाई से ही पेश कर आना है। यदि कोई व्यक्ति है जो हमें जरूरत के समय पर कुछ चीज चाहिए और वह नहीं देती है, तो जब वह हमारे सामने कुछ लेने के लिए आता है तो हम उसे यह नहीं कहेंगे कि देखो देखो मैं उस दिन तो आई थी तो तुमने तो था तो भी मना कर दिया तो मैं तुम्हें क्यों दूं। तो ऐसा जो भाव है वह हमें नहीं रखना है। हमारे पास है, किसी के उपयोग में आता है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। फूल खुशियों के बांटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। मधुबन यानी कि बगीचा। अब देखो आप सब लोग 6 नंबर प्रेजेंट होना बेटा। ओके, आपको समझ में आ रहा है ना काव्य? ओके, तो यहाँ पर उसके बाद की जो पंक्ति है उसमें कहा गया है मधुबन। मधुबन यानी कि बगीचा। अब देखो बगीचा जो है उसमें खिले हुए गुलाब के या कोई भी फूल हो, पूरा बगीचा जो है वह फूलों से लदा हुआ है तो वह बगीचा हमें बहुत अच्छा लगेगा। मगर वह फूल यदि गिर जाएंगे और सिर्फ डालियों में कांटे ही रहेंगे तो वह बगीचा हमें अच्छा नहीं लगेगा। सूखा हुआ बगीचा हमें अच्छा लगता है? अच्छा लगता है गर्ल्स? नहीं मिस। तो उसी प्रकार यहाँ पर व्यक्ति को बताया गया है कि फूल खुशियों के बांटो, यानी कि हरदम हमें खुशियां ही बांटनी है। जो कोई उदास है उसे भी हमें खुश रखना है। तो यह दूसरों को खुश हम कब रखेंगे? जब हम खुद खुश होंगे, बराबर। हम जब खुद खुश होंगे, अच्छी अच्छी बातें करेंगे तो सामने वाले भी हमारी बातों से खुश हो जाएंगे। तो इसी प्रकार हमें खुशियों के फूल बांटने हैं ताकि सबका जीवन जो है वह बगीचे में जिस प्रकार फूल खिले हुए हुए है और बहुत सुंदर महक आती है, बहुत सुंदर सुगंध आती है, उसी प्रकार हम यदि दूसरों को सुख बांटेंगे तो वह उसके जीवन में भी खुशी रूपी जो सुगंध है वह फैल जाएगी। यदि हम दुख और दर्द की बातें करेंगे तो कोई हम में रस लेगा नहीं, मगर जो कोई दुखी है तो उसे भी हमें अपनी अच्छी अच्छी बातों से हंसा देना है, उसे अच्छी अच्छी बातें करनी है ताकि वह अपना जो गम है, अपना जो दुख है वह भूल जाए। और सबके जीवन में इसी प्रकार यानी कि बगीचे की तरह खुशियों के फूल हमें बांटने हैं। अपनी करुणा का जल तू बहा के, करते पावन हरेक मन का कोना। पावन यानी कि पवित्र, करुणा यानी कि दया, बराबर। तो यहाँ पर ईश्वर से कहा गया है कि हे ईश्वर, तुम दुनिया के हरेक मनुष्य के मन में, हृदय में इतनी करुणा और दया भर दो। जो मनुष्य के हृदय में करुणा और दया रहेगी तो वह सामने वाले व्यक्ति से भी इसी दया और करुणा से ही बात करेगा। उसके मन में छल कपट, करुणा यानी कि दया, अपनी करुणा का जल तू बहा के, यानी कि करुणा दया रूपी जल तू बहा दे ताकि मनुष्य का कोना जो है, मनुष्य का जो मन है वह एकदम पावन, पावन यानी कि पवित्र, जिसे आप पाक कहते हो ना, पाक यानी पवित्र। तो यदि मनुष्य का मन पाक है तो उसके मन में कोई भी बुरे विचार भी नहीं आएंगे, और बुरा विचार नहीं आएंगे तो वह दूसरों के साथ बुरा करने का सोचेगा भी नहीं। तो इसी प्रकार यहाँ पर ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि तुम मनुष्य
जो आज एक दूसरे के साथ कुछ बैर भाव कर रहा है, दुश्मनावट कर रहा है, तो उसके मन में आप करुणा और दया और उसके मन को पाक बना दो, ताकि कोई भी मनुष्य है वह दूसरे मनुष्य के साथ बुरा व्यवहार या बर्ताव करने का सोचे भी नहीं और सब मिलजुल कर रह सके। उसके बाद की जो काव्य पंक्ति है उसमें है, हम अंधेरे में है रोशनी है, खो न दे खुद को की दुश्मनी। अब देखो यहाँ पर जो बच्चे हैं वह ईश्वर से कहते हैं कि आज मनुष्य के हृदय में, आज हम देखते हैं कि जो कई देश है, देश के लोग हैं, वह एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा करते हैं, बमबारी करते हैं, बराबर। तो यह जो अज्ञान रूपी अंधकार है, यह उसके मन में जो अंधेरा भरा हुआ है दुश्मनी का, तो उसमें एक मित्रता का, एक भाईचारे की रोशनी जो है वह तू जला दे, उसमें ऐसा ज्ञान भर दे कि हम सब मनुष्य एक ही हैं। जो संस्कृत में बताया गया है, वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि पृथ्वी पर रहने वाला हरेक मनुष्य एक परिवार है। हम समझते हैं फिर भी आज लोग हैं कि एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा करते हैं, एक दूसरे के साथ दुश्मनी कर बैठते हैं और अपने आप को इन्हीं दुश्मनी में अपने आप को मार भी देते हैं और खुद भी मिटते हैं और दूसरों को भी मिटाने की बात करते हैं। तो यहाँ पर ईश्वर से ये बच्चे प्रार्थना करते हैं कि यहाँ मनुष्य के मन में जो बदले की, दुश्मनी की, यह जो बुरे विचार रूपी अंधकार भरा हुआ है, उसे ज्ञान रूपी रोशनी के द्वारा यह अंधकार को मिटा दे। यदि मनुष्य के मन में यह ज्ञान रूपी रोशनी प्रगटेगी नहीं, तो हो सकता है कि मनुष्य एक दूसरों को मार कर, लड़ाई झगड़ा कर कर खुद ही अपने आप का दुश्मन बन जाता है और वह शांति से रहता भी नहीं। उसके मन में एक अनोखी ही हलचल रहती है कि किसी पर ये कर दूं, वो कर दूं, और वह खुद ही अंदर अंदर ही घुटता जाएगा, यानी कि खुद ही अपना ही वह दुश्मन हो जाएगा। तो ईश्वर से ये बच्चे प्रार्थना करते हैं कि मनुष्य अंदर अंदर खुद ही ऐसी दुश्मनी का शिकार न हो, इसीलिए अज्ञान रूपी अंधकार दूर करके ज्ञान रूपी रोशनी को हमें दे। फिर आगे कहते हैं, हम सजा पाए अपने किए की, मौत भी हो तो सहले खुशी से। यानी कि यदि हमसे कोई बुरा कार्य हो गया है, आपको तो पता है कि जो हम अच्छे कार्य करते हैं, बुरे कार्य करते हैं, वह मनुष्य चाहे देखे न देखे, मगर खुदा तो सब देखता ही है और ऊपर सब कुछ वह लिखता भी है और उसके अनुसार ही हमें जन्नत और जहन्नम भी मिलता है। तो यहाँ पर मनुष्य स्वेच्छा से कहता है, यदि हमसे कोई बुरी बात हो गई है, किसी के साथ कोई बुरा व्यवहार किया गया है, तो उसकी हमें, उन बुरे कर्मों की आप सजा हमें दे, और उन सजा में चाहे हमारे इतने बुरे कर्म हैं कि हमें मौत भी हो, तो वह हम खुशी से स्वीकार कर लेंगे, मगर वह खुदा की ओर से, एक दूसरे से दुश्मनावट करके नहीं। यदि हमने कोई मनुष्य के साथ गलती की है, तो खुद खुदा हमें उस गलती की सजा देगा। कोई मनुष्य एक दूसरे का दुश्मन बनकर एक दूसरे से मारेगा, काटेगा, ऐसा नहीं करेगा। तो यहाँ पर ऐसी प्रार्थना करते हैं, और कल जो गुजरा है फिर से न गुजरे, आने वाला वो कल ऐसा होना। यानी कि पहले जो हमने दिन गुजारे हैं वह बहुत बुरे हैं, बुरी बुरी घटनाएं होती थी,
बराबर। आज हम देखते हैं कि हम आजादी के देश में सांस ले रहे हैं। तो पहले के समय में जब अंग्रेज हम पर शासन करते थे, तब हमें बाहर निकलना भी मनाही था, कोई प्रसंग कोई उत्सव यह मनाने पर भी पाबंदी थी। यदि हम कोई कार्य करते हैं तो अंग्रेज है वो लाठी चार्ज करते हैं, अपना अपने जो खेत में जो किसान काम करते हैं उन किसानों से कर वसूल करने के लिए भी अंग्रेज है वो उसे कोड़े मारते हैं। यानी कि पहला का समय जो था वो बहुत बुरा था। तो जो पल चला गया है उसके जैसा बुरा समय अब कभी भी हम पर न आए, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि आने वाला कल अब हम अच्छाई और सच्चा हो। मगर यह कब होगा? जब हमारे मन में अच्छे विचार होंगे, एक दूसरे के साथ हम भाईचारे की तरह व्यवहार और वर्तन करेंगे, तो हमारा आने वाला कल है वह भी अच्छा होगा। उसके बाद की पंक्ति है, हर तरफ जुल्म है बेबसी है, सहमा सहमा सहराग मी है। यानी कि आज हम देखते हैं कि लोग जो है वह एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं, एक दूसरे के साथ जुल्म करते हैं। आज आप देश में देख रहे हैं कि यह देश है वह इसका दुश्मन हो गया है, वह इस पर बम गिराने वाला है, यह जो आतंकवादी है वह इस देश में घुसकर इतने लोगों को उसने मार दिया है। तो यह जो जुल्म और बेबसी, यानी कि इस जुल्म के सामने आज का मनुष्य जो है वह लाचार हो गया है, बेबसी यानी कि लाचार हो गया है। और लाचार होने के कारण वह आज सहमा सहमा यानी कि इन परिस्थितियों के बीच वह डरा डरा रहता है। यदि उसे कुछ कार्य करने हैं या उसे बाहर भी निकलना है तो भी उसे पता नहीं कि हम जिंदा घर आएंगे कि नहीं। आप यहाँ पर हम भारत देश में गुजरात में चैन से रहते हैं, मगर कश्मीर हो या हमारे जो भारत की बॉर्डर है वहाँ पर आप देखें तो कई हमारे ऐसे जवान हैं जो दुश्मनों के हाथ शहीद हुए हैं, वह हमारे देश की रक्षा करते हैं। तो वहाँ के जो देश है वहाँ के जो लोग रहते हैं वह इन जुल्म के कारण बहुत ही लाचार हो गए हैं और वह इस लड़ाई झगड़ों से डर गए हैं। यह जो जुल्म का पाप और बोझ यानी कि एक दूसरे व्यक्ति को मार डालना काट डालना, जिससे धरती पर जो यह पाप होता जा रहा है उससे पाप बढ़ता ही जा रहा है। हम जैसे कि युग में देखते हैं कि सब आपने सुना हो तो यह कलयुग है, कलयुग में हरेक मनुष्य एक दूसरे का दुश्मन होगा, यह बुरे बुरे एक दूसरे को मारने और काटने लगेंगे। यानी कि यह धरती पर धीरे धीरे पाप इतना बढ़ जाता है कि यह जो धरती है वह भी इस पाप का बोझ उठाने के लिए अब तैयार नहीं है। तो यहाँ पर ईश्वर से बताया गया है कि तू सबके हृदय में प्रेम और ममता जो है वह तू भर दे, ताकि तेरी रचना का अंत न हो। यानी कि ईश्वर और अल्लाह ने जो यह मनुष्य बनाए हैं वह मनुष्य आपस में एक दूसरे से दुश्मनी करके जो अपने आप को बुराई के रास्ते पर चलकर खुद ही खत्म कर रहे हैं वह खत्म न करे, इसीलिए तू सबके मन में प्रेम और दया का संचार कर दे। तो इसी प्रकार इस कविता में कवि ईश्वर से सब लोगों से अच्छाई के रास्ते पर चलने की, भूल कर भी कोई गलती न करने की और किसी के प्रति मन में बदले की भावना पैदा न हो ऐसी, और हमेशा हम खुशियों के फूल बांटे और हमेशा सब भाईचारे की तरह मिलजुल कर रहे, ऐसी भावना यहाँ पर बताई गई है।
तो यहाँ पर हमारा जो काव्य है वह पूरा होता है। आपको यह काव्य है वह होमवर्क में दो बार लिखना है। कितनी बार? कितनी बार लिखना है? दो बार। ओके। और अच्छी तरह से काव्य समझना है। इसके आगे के तास में जो भी समझ में न आए वह शब्द नोट कर लेना और पूछ लेना। ओके मिस।